हेलो दोस्तों, आज मैं एक जैपनीज मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज ए सीरियल किलर। तो कहानी शुरू होती है और हम कोरोसु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। इसके चलते वो अपने आप को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसकी दीवार भी टूट जाती है और उसमें एक होल हो जाता है। फिर जब कोरोसु उस होल के अंदर देखता है तो उसे अपने पड़ोस में एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम रियो है और कोरोसु अब इसको देखने लग जाता है। अब रियो इसे काफी पसंद आ जाती है, जिसके बाद से कोरोसु रोज ही रियो को देखने लगता है। फिर एक दिन जब वो उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है तो रियो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। अब कोरोसु को रियो वहाँ पर दिखाई नहीं देती तो ये उसे देखने के लिए उसके घर पहुँच जाता है और उसके घर में झांकने की कोशिश करता है। तभी नीचे एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और तभी कोरोसु उसे देखकर सफाई का नाटक करने लग जाता है। फिर वो लड़की अपने रूम के बाहर अपने भाई के लिए खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर बेचारा कोरोसु बेरोजगार था और उसने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो उस लड़की का रखा हुआ खाना चुरा कर खाने लगता है। वहीं ऊपर से रियो उसे ऐसा करते हुए देख रही होती है और फिर जब कोरोसु की नज़र रियो पर पड़ती है तो वो उसे देखकर डर जाता है। इसके बाद रियो इसे अपने बारे में बताने लगती है और इसे खाना खाने के लिए अपने घर पर इन्वाइट करती है। फिर कोरोसु उसके घर जाता है और वो उस दीवार पर बने हुए होल को भी देख लेता है। फिर रियो खाना लेकर आती है और यहाँ पर कोरोसु बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए वो सारा खाना खा जाता है और रियो की बहुत तारीफ भी करता है। अब ये देखकर रियो समझ जाती है कि ये बेचारा कंगला है, इसलिए वो उसे रात के खाने के लिए भी इन्वाइट कर लेती है। इसके बाद कोरोसु भी खुशी खुशी अपने रूम में वापस आ जाता है और वहाँ से रियो को देखता रहता है। अब कुछ दिन ये सब ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन कोरोसु रियो से पूछता है कि क्या तुम मेरी वजह से परेशान तो नहीं होती, मैं बेरोजगार हूँ और रोज मुंह उठाकर खाना खाने के लिए तुम्हारे घर आ जाता हूँ। इस पर रियो मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि नहीं, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भी रह सकते हो। अब ये देखकर कोरोसु को रियो से प्यार हो जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अब से वो उस होल से रियो को नहीं देखेगा। लेकिन कुछ देर बाद ही इससे कंट्रोल नहीं हो पाता और वो फिर से रियो को देखने लग जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर रियो एक अजनबी के साथ अपने रूम में आती है। कोरोसु को लगता है कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन तभी रियो एक चाकू निकालती है और उससे उस आदमी का गला काट देती है। अब ये देखकर कोरोसु की फटकर 464 हो जाती है और वो डरकर दीवार को धक्का मारता है, जिससे रियो की तरफ से वहाँ पर बुक्स गिर जाती है और वो होल बंद हो जाता है। अब ये सोचने लगता है कि मेरी प्यारी रियो ऐसा नहीं कर सकती। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो देखता है कि बाहर रियो उसके लिए डिनर लेकर आई है। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और रियो कोरोसु को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले दिन कोरोसु उन बुक्स को हटा देता है और रियो के घर में फिर से झांकने लग जाता है। वो सोचता है कि उसने जो भी कल रात को देखा था शायद वो उसका वहम होगा, क्योंकि रियो तो एक बहुत ही स्वीट लड़की है, वो किसी को कैसे मार सकती है। तभी इसे रियो के घर के बाहर एक और लड़की दिखाई देती है और इस लड़की का नाम रायना है। फिर कोरोसु उसे देखने लगता है और सोचता है कि शायद ये वही लड़की होगी जिसने कल रात को उस आदमी को मारा। फिर अगली सुबह कोरोसु कपड़े धोने जा रहा होता है, लेकिन तभी रियो से रोक लेती है और बोलती है कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, तुम मेरे घर जाकर कपड़े धो सकते हो और हम रात को डिनर भी साथ में करेंगे। तभी कोरोसु को उस रात की बात याद आ जाती है और वो डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो सोचने लगता है कि रियो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही स्वीट लड़की है। फिर रात को जब वो अपने रूम में कैंडल्स लगा रहा होता है तभी उसको रियो के घर से आवाजें आती हैं। फिर जब वो उस होल से झांकने लगता है तो वो देखता है कि रियो फिर से एक लड़के को अपने घर पर लेकर आती है और उसे भी वो पिछले वाले की तरह निपटा देती है। अब ये देखकर कोरोसु समझ जाता है कि ये सब सच है और ये क्यूट सी लड़की एक सीरियल किलर है। अब कोरोसु डर के मारे चिल्लाने लगता है और तभी रियो भी इसे देख लेती है और इस पर अटैक कर देती है। फिर कोरोसु वहाँ से भाग जाता है और छत पर चला जाता है। तभी रियो भी वहाँ पर चाकू लेकर आती है और कोरोसु उसे होल के बारे में सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसे लगने लगता है कि शायद रियो इसको भी मार देगी। तभी रियो उसे पकड़ लेती है और इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है। कोरोसु उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें डेट करना है और ये सुनकर रियो खुश हो जाती है और इसे किस करने लगती है। फिर अगले दिन से वो दोनों कपल बन जाते हैं और साथ में डेट पर जाते हैं। वहीं कोरोसु को जॉब भी मिल जाती है, लेकिन उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि रियो उसे कभी भी निपटा देगी। फिर जब कोरोसु काम करके अपने घर पर आता है तो रियो उसे उस होल में से ही वेलकम करती है, जिसके बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं। फिर अगले दिन रियो इसे अपने कॉलेज ले जाती है और सभी को इसे अपना बॉयफ्रेंड कहकर मिलवाती है। अब ये देखकर कोरोसु भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब तक इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं था। अब कोरोसु भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है क्योंकि वो रियो को दूसरे लड़कों से बचाना चाहता था, लेकिन रियो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक किलर हूँ। फिर कोरोसु उससे पूछता है कि ये सब कब तक चलेगा, तो रियो उसे कोई जवाब नहीं देती और बाहर जाकर फिर से एक लड़की को टपका देती है। अब ये देखकर कोरोसु बहुत परेशान हो जाता है
और वो रियो से पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो। फिर रियो से बताती है कि ये सब बुरे लोग हैं और इन्हें मारना मेरा काम है। अब ये देखकर कुरुसु खुश हो जाता है और वो इससे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। फिर एक दिन कुरुसु अपनी सिटी का न्यूज़पेपर देख रहा होता है तो उसमें उसे एक भी मर्डर की न्यूज नहीं मिलती। अब ये देखकर कुरुसु हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि रियो तो इतने लोगों को मार चुकी है लेकिन शहर में एक भी मर्डर की न्यूज नहीं है। फिर एक दिन घर आते वक्त कुरुसु कावासाकी नाम के एक लड़के से मिलता है जो कि उसका पड़ोसी है, और ये वही लड़का है जिसके लिए उस दिन उसकी बहन खाना छोड़कर गई थी। इसके बाद वो उसकी बहन से भी मिलता है और इस लड़की का नाम हारुको है। फिर रात को कुरुसु घर आता है और बहुत खुशी खुशी से रियो के घर में झांकने लगता है, लेकिन रियो से वहां पर नहीं दिखती और उसके लिए वहां पर एक नोट लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि मुझसे 10 बजे मिलना। फिर 10 बजे कुरुसु नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर रियो का वेट कर रहा होता है, पर तभी उसे रियो के घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। फिर जब वो वहां पर झांक कर देखता है तो वहां पर रियो ने कावासाकी को बांध कर रखा हुआ था। अब ये देखकर कुरुसु रियो पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी रियो कावासाकी को मार डालती है, जिसके बाद उसके घर में वही लड़की रायना आती है और वो अपने साथ एक टीम लेकर आती है जो उसके घर की साफ सफाई करते हैं और कावासाकी की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। फिर वहां पर कुरुसु आता है और वो रियो से पूछता है कि तुमने कावासाकी को क्यों मारा, वो तो बहुत अच्छा था। इसके बाद वो लोग कुरुसु को कावासाकी के रूम में ले जाते हैं जहां पर उसे पता चलता है कि कावासाकी बिल्लियों को कैद करके उन्हें बहुत बेरहमी से मारा करता था, जिस वजह से वो ये मौत डिजर्व करता था। अभी देखकर कुरुसु अपने रूम में आ जाता है और वहां पर चुपचाप सो जाता है। फिर अगली सुबह रियो उसके रूम में आती है और उसे मनाने लगती है, लेकिन कुरुसु उससे काफी रूड होकर बात करता है जिससे गुस्सा होकर रियो वहां से चली जाती है। इसके बाद कुरुसु हारुको से मिलता है जो कि अपने भाई को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर रियो भी आ जाती है और हारुको को अपने रूम में बुलाती है। अब यहां पर कुरुसु डर जाता है कि कहीं रियो इसको भी ना मार डाले, इसलिए वो हारुको को वहां से भगा देता है। फिर वो रियो से पूछता है कि क्या तुम हारुको को भी मार डालोगी, तो रियो उसे कहती है कि नहीं। फिर अगले दिन हारुको कुरुसु को अपने भाई के बारे में बात करने के लिए कॉफी शॉप पर बुलाती है। फिर जब ये उसे मिलने के लिए जा रहा होता है तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और उसे उठाकर वैन में डाल देते हैं। कुरुसु देखता है कि ये रायना होती है और वो कुरुसु को धमकी देती है कि अगर उसने हारुको को कुछ भी बताया तो वो उसे भी मार डालेंगे। इसके बाद कुरुसु हारुको से मिलता है और यहाँ पर हारुको उसे बताती है कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है क्योंकि कावासाकी काफी दिनों से गायब है। इसके बाद ये दोनों कावासाकी के रूम पर जाते हैं और उसके लैंडलॉर्ड से उसका रूम खुलवाते हैं। अब यहाँ पर कुरुसु काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके घर के अंदर मरी हुई बिल्लियां होंगी, लेकिन जब वो उसके घर के अंदर जाते हैं तो घर पूरा साफ सुथरा होता है। इसके बाद हारुको और कुरुसु पूरा दिन साथ में स्पेंड करते हैं और पूरे दिन घूमते फिरते हैं और बातें करते हैं। फिर घर आते वक्त कुरुसु रियो को एक लड़के के साथ देख लेता है, और फिर घर आने पर जब वो रियो से उस लड़के के बारे में पूछता है तो रियो उसे कुछ नहीं बताती और उसे हारुको से दूर रहने को कहती है। अब इस बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर कुरुसु उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रियो उसके नेक पर चॉपस्टिक्स लगाकर इसे डरा देती है। फिर अगले दिन कुरुसु फिर से हारुको से मिलने जाता है और यहाँ पर हारुको से रियो से ब्रेकअप करके अपने साथ रहने को कहती है, और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे जवाब का कल तक वेट करूंगी। फिर जब कुरुसु घर आ रहा था तो रास्ते में गुंडे इसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसको खूब मारते पीटते हैं और इसे वापस इसके घर भेज देते हैं। फिर घर आकर कुरुसु और रियो के बीच में खूब लड़ाई होती है और कुरुसु उसे ये काम करने से मना करता है, लेकिन रियो कहती है कि मैं लोगों को मारना बंद नहीं कर सकती, जिसके बाद ये रियो से ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन वो इसे होल से देखना फिर भी नहीं छोड़ता और उसे रोज देखता रहता है, और यहाँ पर रियो भी रोज एक नए इंसान को लाकर उसे मारती रहती है। लेकिन तभी कुरुसु यहाँ पर नोटिस करता है कि रियो लोगों को मारने के बाद हंसने की बजाय इस बार रोने लगती है। अब ये देखकर कुरुसु समझ जाता है कि रियो से ये सब वो गुंडे करवा रहे हैं, और फिर ये मर्द बनकर उन्हें मारने के लिए उनके अड्डे पर चला जाता है। ये उन पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इसे मार मार कर इसे भूत बना देते हैं। फिर वो इसे जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी रियो वहां पर आ जाती है और सभी गुंडों को मारकर इसे बचा लेती है। अब यहां पर कुरुसु उससे पूछता है कि अब तुम लोगों को मारने के बाद हंसती क्यों नहीं हो, जिस पर रियो उसे बताती है कि अब उसे ये काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अब ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं और इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन तभी रियो कुरुसु के पेट में चाकू मार देती है और हंसते हुए कहती है कि मुझे मेरे प्यार को मरते हुए देखना बहुत पसंद है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर रियो रायना से मिलती है और उसे बताती है कि उसने अब ये काम छोड़ दिया है और वो ये शहर छोड़कर भी जा रही है। तभी वहाँ पर कुरुसु आता है जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है, और इसे देखकर हमें पता चलता है कि उस दिन रियो ने इसे जान से नहीं मारा था। अब ये दोनों ही ये शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे होते हैं, और रियो यहाँ पर इसे प्रॉमिस करती है कि अब वो ये काम दोबारा कभी नहीं करेगी, और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।